नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव पर। बात करेंगे यूपी की राजनीति में सियासत गरमा चुकी है आजम खान की वजह से। सपा पार्टी के एक बहुत ही बड़े नेता आजम खान जब जेल की सलाखों के बाहर आए तो सबका ये कहना था क्या सपा पार्टी से खफा चल रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी का हाथ थामते नजर आएंगे या एक अलग ही यहाँ पर मोर्चा अपना खोलते नजर आएंगे। तो आजम खान को लेकर लगातार जो खबरें सामने आ रही है उसे बारीकी से नजर बनाई हुई है। मेरा नाम है दीपक गुप्ता और हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल जुड़े हुए हैं इस खास प्रोग्राम में, जहाँ पर आपको ज़्यादा जानकारी देंगे किस तरीके से एक कांग्रेस की तरफ से ऐसा पोस्टर वायरल हुआ जिसने सभी के लिए काफ़ी सवाल खड़े कर दिए कि आजम खान आने वाले वक्त में कांग्रेस का हाथ थामते नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले सवाल करें, आजम खान ने जेल से बाहर आने के बाद कई बयान दिए, आप उन पर नजर डालिए। जो हुआ था नंगा नाच किसने नहीं देखा। हाँ, बस इतना हुआ, 3.5 लाख के लिए 1.5 लाख रह गई। मैं तकरीबन 3-3.5 साल मेंबर पार्लियामेंट रहा, जिनमें 2 साल मैं जेल में था, लेकिन मुझे रहने के लिए आवास नहीं दिया गया था। आज़ाद हिंदुस्तान का ये भी इकलौता इतिहास होगा। अब विधानसभा मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, 10वीं बार जाऊंगा उस हाउस में, क्यों नहीं जाऊंगा? मैं चुना गया हूं, क्यों नहीं जाऊंगा? अच्छा आजम भाई, आपकी कुर्सी चर्चाएं हैं कि अखिलेश जी के बराबर में पड़ी हुई है, तो क्या जो नाराजगी चल रही है, जिस तरह की चर्चाएँ हैं, वो नाराजगी अखिलेश जी खत्म कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपसे ही ये सूचना मिल रही है नाराजगी की, मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए, मैं खुद ही निराधार हूँ तो आधार कहाँ से आएगा? मेरा अपना ही कौन सा आधार है? एक गरीब आदमी, गली में रहने वाला। हाँ, एक खता हुई थी कि बच्चों के हाथ में कलम देना चाहा था, और चाहा है, वो मिशन आज भी जिंदा है। अगर यूनिवर्सिटी गिरा भी दी जाएगी, इस पर बुलडोजर चल भी जाएंगे, तो टूटे हुए खंडरात बनी हुई इमारतों से ज़्यादा इतिहास का हिस्सा बनेंगे और लोग उन्हें देखने आया करेंगे, हमारे परिवार और वो परिवार जो जेल के अंदर है और जो जेलों से निकल गए मुकदमात में, उनके किस्से और कहानियाँ, उनके वालदैन, उनके दादी दादा, नानी नाना सुनाया करेंगे। वो बताएंगे कैसा अन्याय हुआ था, हमारे किस्से सुनाए जाएंगे, हम पर हुए जुल्म की कहानियाँ सुनाई जाएंगी। क्यों भाई, क्या उसे भुला दोगे? नहीं। अच्छा आजम भाई, आपके साथ साथ शिवपाल जी की भी नाराजगी थी, शिवपाल जी आपसे मिलने के लिए आए लेकिन अखिलेश जी नहीं आए, क्या कहना चाहेंगे? क्या शिवपाल जी की भी नाराजगी अब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी नाराजगी दूर हो जाएगी? मैं ना किसी के आने पर कोई कमेंट कर रहा हूँ, ना किसी के ना आने पर। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आ सके किन्हीं कारणों से उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मैं नाराज़ होने की हैसियत में ही नहीं हूँ। इसलिए कि मुझे जो तहफ़ मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, वो न्यायपालिका से मिला है। मैं किसी से नाराज हूँ। तो सीधा सीधा कहना यह है कि न्यायपालिका से आपको न्याय मिला है, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, तभी तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं, आप जो कह रहे हैं इसको मैं सरे से नकार रहा हूँ। जो जितना कर सके मेरे लिए, दूसरे राजनीतिक दलों के जिम्मेदारों ने कहा कि मेरे साथ, और न सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे तमाम इस परिवार के साथ, वो परिवार नहीं जिसमें मेरी बीवी बच्चे आते हैं, बल्कि मेरा राजनीतिक परिवार, मेरे रामपुर का परिवार, सबने कहा कि ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, और मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी के MP MLAs ने भी मेरे बारे में शायद कोई ऐसा कमेंट या घटिया बात नहीं कही है जिसके लिए मैं उन्हें दोषी ठहराऊं। वो एक एजेंडा था। क्या कोई पूरे भारतवर्ष में इस बात पर यकीन कर लेगा कि यूनिवर्सिटी का फाउंडर, स्कूलों का फाउंडर,
एक ऐसी तंग गली में रहने वाला जहाँ आपकी बड़ी मोटर नहीं जा सकती, एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ दो अकाउंट हैं और वो उसकी सैलरी के, एक विधानसभा का और एक पार्लियामेंट का, बाकी जो कुछ है वो सब ले ले सरकार का। अगर वो नंबर एक पर माफिया है तो फिर माफिया की परिभाषा तैयार करनी पड़ेगी। अब एक माफिया को आप इतनी इज्जत दे रहे हैं, एक माफिया से लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, तो उस माफिया के बारे में हो सके तो आप भी राय बदलिएगा। तो कल आजम भाई सदन में जाएंगे? देखिए, शपथ तो लूंगा, कोशिश कर रहा हूँ मेरी तबीयत ऐसी रहे कि मैं सफ़र कर सकूँ। तबीयत तो अच्छी नहीं है, बहरहाल कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया आपसे। आजम खान, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूँगा। तो देखा दोस्तों, किस तरीके से आजम खान ने अखिलेश यादव पर भी ये बात रखी कि नाराजगी तो मेरी होने की हैसियत नहीं है। तो सीधा एक सवाल रहेगा कि आजम खान सपा पार्टी से क्या सचमुच आपको खफा लग रहे हैं? आप भी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं खबरों पर और आजम खान अखिलेश यादव से अभी तक मुलाकात नहीं करे, क्या नाराजगी है या फिर कुछ अलग ही यहाँ पर मकसद है आजम खान का? देखिए, यहाँ पे जब आजम खान जेल से रिहा हुए थे तब उनसे पूछा गया था, रिपोर्टर्स लोग ने, बहुत सारे चैनल के रिपोर्टर्स ने पूछा था उनसे कि क्या आप अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी से नाराज, तो उन्होंने उस समय तो ना कह दिया था, लेकिन अब 4 से 5 दिन हो गए हैं लेकिन अब भी ना वो अखिलेश यादव से मुलाकात किए ना अखिलेश यादव इनसे मुलाकात किए। तो ये कहीं ना कहीं एक खटपट जो हम लोग को देखने को मिल सकता है दीपक, कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में अभी चल रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा ये देखना जरूरी है। उसके बाद इन्होंने एक शायरी में भी, एक मैं भूल रहा हूँ वो चीज़, शायरी में भी कहा था कि एक नई कश्ती अगर मिलेगी तो मैं जरूर उस पर सवार करना चाहूँगा। तो इससे ये कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि अगर कोई पार्टी उनको सामने से अप्रोच करती है, बड़ी पार्टी, वो छोटे दल के साथ तो वो जाने वाले नहीं है, अगर बड़ी पार्टी अगर कोई अप्रोच करती है उनको, आप पार्टी में शामिल होने, तो वो मुझे लगता है कि बखूबी वो चले जाएंगे उस पार्टी के साथ। तो यहाँ पर इन्होंने कहा बड़ी पार्टी, लेकिन कांग्रेस के हालात तो इस समय बहुत खराब हुए पड़े, यूपी चुनाव में सिर्फ 2 ही सीटों पर उनको जीत मिली थी। दूसरी तरफ बात करें उस पोस्टर की जो वायरल हुआ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं इरशाद उल्ला नाम के नेता ने यहाँ पर पोस्टर लगवाया था और साफ कहा था कि आपका बहुत स्वागत है कांग्रेस में आजम खान साहब, ये बात उस पोस्टर पर साफ देखी जा सकती है। प्रियंका गांधी की भी उसमें तस्वीर नजर आ रही थी, लेकिन बात पोस्टर से हटकर यहाँ पर कांग्रेस में शामिल होने की की जाए तो उन्होंने ये भी बात रखी थी कि अखिलेश यादव मुसलमान समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से देखते, उनको कोई तरजीह नहीं देते। अगर आप कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता बनते हैं मुसलमान चेहरे के रूप में, तो मुसलमान समुदाय की हम किस्मत पलट सकते हैं, तो क्या सचमुच मुसलमान समुदाय सिर्फ वोट बैंक के रूप में सीमित रह गया है? देखिए दीपक, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो रखा है इस टाइम पे, लेकिन अगर आजम खान, जो उनका जो एक तजुर्बा जो कह सकते हैं, जो एक इकलौते ऐसे विधायक है जो 13 बार जो है वो विधानसभा की जो सीट, उसी सीट से वो जीतते हुए आए हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को कांग्रेस में शामिल हो करके ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। हाँ, उनके सामने और भी बड़ी पार्टियाँ हैं, जैसे कि BSP है, AIM, असदुद्दीन ओवैसी का पार्टी है, तो कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा जुड़ना पसंद करेंगे, लेकिन अभी जो समाजवादी पार्टी के साथ उनकी जो खटपट अभी चल रही है, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि ये समाजवादी पार्टी से आजम खान को अलग कर सकती है। लेकिन यहाँ पे आजम खान का जिस हिसाब से अभी जो स्टेटमेंट जो रिपोर्टर के साथ जो बातचीत करना चाहते कर रहे हैं, उसे साफ यही नजर आ रहा है कि वो अखिलेश यादव से काफी नाराज नजर आ रहे हैं इस समय। तो आपको बताते चले, आजम खान कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, मुलाकात कर भी रहे हैं, मुलाकात का दौर जारी भी है, हर कोई आजम खान को रिझाने की कोशिश में है कि वो उनके खेमे में आए, वो उनके खेमे में आए, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव का आता पता नहीं है। दोनों ही लखनऊ में मौजूद है विधानसभा सत्र के लिए, जहां आजम खान ने भी हाल ही में अपने जो विधायक बने थे उसकी शपथ ली, क्योंकि तब वो जेल की सलाखों के पीछे थे। तो दूसरी तरफ विधानसभा सत्र के लिए अखिलेश यादव लखनऊ में ही मौजूद हैं, लेकिन मुलाकात नहीं भी है। तो अखिलेश यादव, क्या नाराजगी ऐसी हो सकती है? अखिलेश यादव ने मुलाकात नहीं करी, इस पर तो आपका पहला सवाल जानना चाहेंगे। शिवपाल से मुलाकात पर भी आजम खान ने बात रखी, तो क्या इस जो राजनीतिक सियासत गरमाई हुई है, शिवपाल कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही रोटियां तोड़ते नजर आ रहे हैं?
देखिए, जो आजम खान जब जेल से रिहा हुए हैं उसके बाद वो ना तो वो प्रयास किए अखिलेश यादव से मिलने का, ना अखिलेश यादव इनसे प्रयास किए मिलने का, ना फ़ोन पे उनकी कोई बातचीत हुई, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी टकराव तो नज़र आ रही है। बात जहाँ तक शिवपाल यादव की है, तो शिवपाल यादव आपको पता है अपर्णा यादव की बीजेपी में शामिल होने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन शिवपाल यादव यहाँ आजम खान से मुलाकात करके उनकी जो पार्टी है प्रसपा उनको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसलिए वो आजम खान से मुलाकात करने गए हों। बिल्कुल, तो आजम खान को लेकर जितनी भी तमाम बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो आपको बताई दी गई है, लेकिन आजम खान से अगर जुड़ी कुछ और बड़ी जानकारियों की तरफ नजर दौड़ाएं तो उनके बेटे को लेकर भी खबरें हैं कि उनका बेटे का राजनीतिक करियर वो संवारना चाहते हैं, लेकिन जो हाल सपा पार्टी ने आजम खान के साथ किया वही हाल को देखते हुए क्या आजम खान अपने राजनीतिक सफर में कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिसमें वो कांग्रेस का हाथ थामे। कांग्रेस के सवाल आपसे पहले भी किया गया, आपने कहा कि कांग्रेस शायद वो ना जुड़े क्योंकि अपनी जो एक इमेज है 13 बार विधायक की उसको बनाए रखना चाहते हैं, किसी और मोर्चे के साथ जुड़ जाए वो बात लगे, लेकिन आप भी जानते हैं जिस तरीके से भारत देश में कांग्रेस पार्टी रही मुसलमानों का सपोर्ट उन्हें खूब जमकर मिला है, तो क्या यहां पर अपने बेटे के राजनीतिक करियर के लिए वो कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का सपोर्टर तो है, लेकिन जब से बीजेपी सरकार जब से केंद्र में और राज्यों में जहां जहां पे आई है कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को लेकर आवाज़ नहीं उठा रही है, चाहे वो 3 तलाक या कोई भी मुद्दा हो CNRC को लेकर के या कोई भी मुद्दा हो, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों के पक्ष लेते हुए नज़र नहीं आ रही, तो हो सकता है इसलिए भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेता है जो कांग्रेस से नाराज़ हो चुके हैं इस सारी चीज़ें इस सारी गतिविधियों को देखते हुए, लेकिन आजम खान के पास सिर्फ कांग्रेस ही एक विकल्प नहीं है, बाकी और भी पार्टियाँ उनके पास विकल्प में है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस से ज़्यादा वो कह सकते हैं कि एक वैल्यू जो है वो दूसरी पार्टी को देते हुए नज़र वहाँ पे। बिल्कुल, तो ये था दोस्तों आज का हमारा खास शो जिस पर आजम खान को लेकर चर्चाएं की गई कि अखिलेश यादव से क्या भी नाराजगी है। जाते जाते आपको दिखाना चाहेंगे आजम खान की वो वीडियो जिसमें वो शपथ लेते नजर आए, बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा यूपी चुनाव और बाकी तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। धन्यवाद दोस्तों।